दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक सपोर्ट चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे टेक रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने। तो और भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो यार ये वीडियो उन टीचर्स लोगों के लिए होने वाली है जो लोग अपनी ऑनलाइन क्लास ओपन करना चाहते हैं, जिससे स्टूडेंट अपनी ऑनलाइन स्टडी करते रहे घर पर बैठे ही। क्योंकि दोस्तों यार कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको घर पर जरूर रहना पड़ेगा और टीचर्स लोगों को भी घर पर रहना पड़ेगा। तो टीचर्स घर से पढ़ा सकते हैं और आप लोग घर से ही पढ़ सकते हो। तो यार ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छी टेक्निक है, तो यार इसे ज़रूर यूज़ करिए। और स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि वो घर बैठे ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यार स्कूल पता नहीं कब खुलेंगे। तो यार आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी खुद कीजिए ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताऊंगा कि आप ऑनलाइन क्लास कैसे ओपन कर सकते हैं आसानी से और कौन कौन से ऐप आपको यूज़ करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों यार बहुत सारे ऐप है पूरी दुनिया में, तो फिर यार कैसे यूज़ करें। तो यार आज की वीडियो में आपको ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस कैसे स्टार्ट करें उसके बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो खासकर स्टूडेंट लोगों के लिए नहीं होगी, खासकर ये लोग टीचर्स लोगों के लिए होगी। तो यार जो टीचर्स है उस ये वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि दोस्तों यार ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ और आप लोग उसे देखिए, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा। और जो लोग कुछ ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो यार आप भी थोड़ा ज्ञान वगैरह ले लो क्या जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन, आप देख रहे हो टेक सपोर्ट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको ऐसे ऐप बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप स्टूडेंट को लाइव पढ़ा सकते हो। मेरा मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दोगे, जिससे आप लाइव उन्हें पढ़ा सकते हो और स्टूडेंट आपको एकदम लाइव देखेंगे। अगर स्टूडेंट को कोई डाउट वगैरह होगा तो वो अपना माइक ऑन करके आपसे डाउट पूछ सकते हैं। तो यार ये बहुत अच्छा तरीका है, तो आप देखते हैं कौन सा ऐप मैं आपको बताने वाला। वैसे तो लाइव पढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐप हैं, तो यार मैं आपको सबसे पहले गूगल मीट के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों यार गूगल की तरफ से एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप लाइव मीटिंग कर सकते हो, जिससे आप अपने स्टूडेंट को लाइव पढ़ा सकते हो और आपका स्टूडेंट लाइव डाउट पूछ सकता है। तो यार गूगल मीट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, फिर आप सिंपली जैसे ऐप डाउनलोड करते हो वैसे ही कर लेना। तो यार गूगल मीट सर्च करने के बाद ऐसा आएगा, तो ऐसे डाउनलोड कर लेना। मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो आप भी डाउनलोड कर लेना। तो मैं अभी इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं है, ऐसी कुछ इंट्रोडक्शन है, तो आप इसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक परमिशन पूछ रहा होगा कि आपको कैमरा ओपन करना है या नहीं करना। अगर आप अलाउ कर दोगे तो आपका कैमरा सिंपली ओपन हो जाएगा, अगर नहीं कर दोगे तो आपका कैमरा नहीं होगा। फिर यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन का ऑप्शन होगा, इसे भी अलाउ कर देना, जिसकी मदद से आपकी वॉइस आएगी। फिर यहाँ पर आपको एक अकाउंट पूछेगा आपको कौन से अकाउंट से स्टार्ट करना है। तो मैं ऐसे ही सिंपली अपना कोई सा भी अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने अपना अकाउंट चूज़ कर लिया, यहाँ पर कुछ ऐसे ही पूछ रहा है क्योंकि मैंने इसे पहले से चलाया हुआ है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यार अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो सबसे पहले ऑप्शन दो ऑप्शन है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कैमरा ऑफ या ऑन। अगर ऑफ़ कर देंगे तो कैमरा आपका ऑफ होएगा, आपकी स्क्रीन कहीं पर भी नहीं दिखेगी। और ये बस के बगल में माइक्रोफोन ऑन ऑफ, जिसकी मदद से आपकी आवाज़ कहीं पर भी नहीं जाएगी अगर ऑफ़ कर दोगे। तो यार ये थे दो सिंपल फंक्शन। तो इसके नीचे आपको दो और ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक है न्यू मीटिंग और एक है मीटिंग कोड। न्यू मीटिंग का मतलब ये है कि आप कोई मीटिंग क्रिएट करोगे। अगर आपको अपने स्टूडेंट के लिए कोई मीटिंग क्रिएट करना है तो आप न्यू मीटिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका स्टूडेंट कुछ ज्वाइन करना चाहता है तो मीटिंग कोड पर क्लिक करेगा, यहाँ पर सिंपली उसको आपके मीटिंग कोड डालेगा और वो आपकी क्लास में ज्वाइन हो जाएगा। तो अब बारी आती है न्यू मीटिंग ऑप्शन की। तो इस पर आप क्लिक जैसे ही करोगे वैसे ही आपकी एक न्यू मीटिंग क्रिएट हो जाएगी, इसकी मदद से आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। तो ये देखिए न्यू मीटिंग क्रिएट हो गई है। फिर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा, इसकी मदद से ये होगा कि ये आपके URL है, इसकी मदद से आप WhatsApp वगैरह पे ऐसे शेयर कर दोगे। फिर जैसे ही आपका स्टूडेंट इस पर क्लिक करेगा वैसे ही वो आपकी मीटिंग पर ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत कम ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों यार इस ऐप का बहुत ही सिंपल इंटरफेस है जिसकी मदद से इस ऐप को कोई भी यूज़ कर पाएगा। तो यार यहाँ पर आपको एक चैट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इस पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर आपका चैट ओपन हो जाएगा, इसकी मदद से आप और स्टूडेंट कम्युनिकेट कर पाओगे कीपैड मतलब टाइप करके। जैसे ही मैंने कुछ लिख दिया तो ये जाके आपके स्टूडेंट वगैरह पर आ जाएगा।
और इसके बगल में ही आपको एक इन्फो का ऑप्शन दिखाई देगा। इसकी मदद से ये होगा कि यहाँ पर आपको वही वगैरह कोड, आपकी मीटिंग वगैरह का कोड, जैसे आपको शुरू में नोटिफिकेशन मिली थी वैसे ही आपका कोड यहाँ पर लिखा है। तो आप फिर से शुरुआत वाले फर्स्ट टैब पर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने उसके बारे में बात नहीं की। यहाँ पर आपको आपके स्टूडेंट के बारे में पता चलेगा कि किस कौन कौन सा स्टूडेंट ज्वाइन है, किसका माइक ऑन है, किसका माइक ऑफ है। तो यार टॉप राइट कोर्नर पे यहाँ पे आपको एक सीसी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप जैसे कुछ बोलते हो तो यार वो नीचे लिखता आ जाएगा। ये इंग्लिश को ज़्यादा अच्छा ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट नहीं करता, ये बस लिखता आ जाएगा कि आपने इंग्लिश में क्या बोला। हिंदी में बोलते हो तो कुछ नहीं आता, जैसे कि मैं कुछ अनाप शनाप ऐसे ही बोल रहा हूँ माइक ऑन करके। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, तो अब इसे बंद कर लेता हूँ मैं। तो सीसी ऑप्शन के बगल में आपको एक हेडफोन जैसा ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, एक हेडफोन ऑफ, स्पीकर ऑडियो ऑफ। ऑडियो ऑफ से आपका ऑडियो ऑफ हो जाएगा, हेडफोन से आपका हेडफोन चालू हो जाएगा, मतलब आपके हेडफोन में से आवाज़ आएगी, और स्पीकर मतलब आपके स्पीकर में से आवाज़ आएगी। तो इसे जरूर देख लेना। और इसके बगल में थ्री डॉट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रेजेंट स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन आपके स्टूडेंट वगैरह पर कास्ट होगी, मतलब आपकी स्क्रीन पर जो भी चीज़ें दिखाई देगी वो आपके स्टूडेंट वगैरह को भी दिखाई देगी। मैं अभी इसे ओपन नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्तों अगर मैंने इसे ऑन कर दिया तो मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, तो मैंने इसे नहीं किया। फिर आप थ्री ऑप्शन पर फिर से जाइए। तो अब बारी आती है फर्स्ट ऑप्शन, स्विच कैमरा। इसका मतलब ये है कि आपका फ्रंट कैमरा की जगह रियर कैमरा यूज़ होने लगेगा, जिससे आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तो आप इसे कर सकते हो ऑन। तो अब आपको कुछ फालतू के ऑप्शन मिलेंगे गूगल की तरफ से, रिपोर्ट, हेल्प, इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। तो अगर आप मीटिंग कट करते हो, ऐसी बैक बटन दबा दो तो आपकी कट हो जाएगी। कट करने के बाद अगर आप नीचे स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपको एक कोड दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी मीटिंग का कोड है। अगर आप प्रेजेंट देख रहे एक और बार चला रखते हो तो प्रेजेंट कर दो, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था गूगल मीट के बारे में। तो दोस्तों यार अब बारी आती है जूम ऐप की। जूम ऐप बिल्कुल गूगल मीट जैसा है। अगर आपको गूगल मीट यूज़ नहीं करना तो आप जूम ऐप भी यूज़ कर सकते हो, बस इसमें जूम ऐप में आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फंक्शन मिल जाते हैं, वो आपके काम के भी हो सकते हैं और काम के नहीं भी हो सकते। तो आपकी मर्जी, आपको गूगल मीट यूज़ करना है या जूम ऐप। वैसे दोस्तों यार जूम ऐप चाइना का है, पर शायद उसके सर्वर वगैरह यूएस के है, तभी ये चाइनीज बैन हुए ऐप की लिस्ट में नहीं आया। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, वरना गूगल मीट तो है ही। तो मैं अभी जूम ऐप के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यार जूम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, जूम ऐप सर्च कर देना है और डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो आप भी इसे डाउनलोड कर लेना। तो अभी मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो यार ये देखिए यार जूम ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, अगर आपको बिना अकाउंट बनाए मीटिंग ज्वाइन करनी तो ज्वाइन मीटिंग क्लिक करना, वरना आप साइन अप करके अपना अकाउंट बना सकते हो, या साइन इन करके आप अपना पुराना अकाउंट यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे अपना पुराना अकाउंट यूज़ करना है इसलिए। तो ये देखिए मैंने अपना जूम ऐप में अकाउंट साइन इन कर लिया। अब यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मीटिंग, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कोड दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी मीटिंग आईडी है, इससे आप अपने स्टूडेंट को आप अपनी क्लास में बुला सकते हो। इसके बगल में आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसकी मदद से आप अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट को यूज़ कर सकते हो। उसके बगल में आपको कुछ ऐसी सेटिंग दिखेगी। तो यार अब मैं फिर से मेन स्क्रीन पर आ गया हूँ। अगर आपको न्यू मीटिंग क्रिएट करनी तो न्यू मीटिंग ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको वीडियो ऑन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वीडियो मीटिंग स्टार्ट करती ही आएगी, अगर ऑफ़ कर दोगे तो जब मीटिंग स्टार्ट होगी तब ये ऑफ आएगी। जब मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ये देखिए मेरी न्यू मीटिंग क्रिएट हो रही है। ये देखिए दोस्तों यार मेरी मीटिंग क्रिएट हो गई है। यहाँ पे गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक करना, पर यहाँ पे आपको कुछ परमिशन होगी, इन सबको अलाउ कर देना। फिर नीचे आपको ऑप्शन आएगा माइट म्यूट या ऑन का। तो यार अगर आपको अपना माइक बंद करना है तो म्यूट कर देना, अगर ऑन करना है तो उसे क्लिक कर देना। और इसके बगल में आपको एक ऑप्शन दिखेगा। तो दोस्तों ये देखिए मेरी मीटिंग गलती से क्लोज हो गई है, तो मैं रीजॉइन मीटिंग पर क्लिक करके इसे वापस ज्वाइन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने वापस ज्वाइन कर ली है। इसके बगल में मैंने कह रहा था ना ऑप्शन मिलेगा, ये एक शेयर का ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप अपने लोगों को सेंड कर सकते हैं, स्टूडेंट वगैरह आप बुला सकते हैं। इसके बगल में आपको पार्टिसिपेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर आपके लोग दिखाई देंगे कि कौन कौन आपकी मीटिंग पर ज्वाइन है। यहाँ पे आप उनके माइक ऑफ वगैरह देख सकते हो, किसका ऑन है किसका नहीं।
यहाँ नीचे आपको एक म्यूट ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इस पर क्लिक करके म्यूट ऑल कर दोगे ना, तो फिर आपके जो भी स्टूडेंट वगैरह होंगे उन सबका माइक ऑफ हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अब मैं फिर से मेन स्क्रीन पे आ गया। यहाँ मुझे थ्री डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि चैट का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों गूगल मीट जैसे ही चैट है, जैसे कि मैं कर सकता हूँ अपने लोग वगैरह को टाइप वगैरह करके। मैं जैसे कुछ टाइप कर दिया तो फिर मैं उनको मैसेज कर सकता हूँ। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको हेडफोन ऑन और स्पीकर ऑन का ऑप्शन मिलेगा, जैसे गूगल मीट पे मिला था। और बीच में आपको ये जूम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपको आपके इस मीटिंग का इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या आईडी है मीटिंग की, लिंक कौन सी है, पासवर्ड क्या है आईडी का। तो आप देख सकते हो मैंने बस ब्लर कर दिया है इसको, आप अपने में देख लेना। तो यार ये अगर आपको मीटिंग कट करनी है तो एंड पे क्लिक करना, तो यहाँ पे मीटिंग लीव मीटिंग का ऑप्शन होगा। अगर आपको बस छोड़ना है तो आप कर सकते हो, और ऊपर आपको लीव ऑल, अगर आपको सबको उठाना है तो आप लीव ऑल पर क्लिक कर देना। तो बस। तो यार ये थे दो ऐप जिसकी मदद से आप अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर सकते हो, और इससे आप स्टूडेंट से लाइव कम्युनिकेट भी कर सकते हो। तो यार इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसकी मदद से आप स्टूडेंट वगैरह से कम्युनिकेट कर पाओगे। जैसे कि आपको कोई स्टडी मटेरियल वगैरह देना है तो आप स्टूडेंट वगैरह को दे सकते हो बहुत ही आसानी से। तो यार इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों यार ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरे टेक रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।